लोकतंत्र वाले भारत देश में कहते हैं कानून सबसे ऊपर है, कानून और संविधान सबसे बड़ा है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। लेकिन इसी भारत देश में एक हाई प्रोफाइल नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, वो भी ऐसे कि पहले धमकी मिलती है और फिर सरेआम कई राउंड फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया जाता है और बाद में ग्रुप की ओर से इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली जाती है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बीच इस हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले ग्रुप के मेन हेड लॉरेंस बिश्नोई की तुलना भगत सिंह से की जाती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। दरअसल महाराष्ट्र की एक पार्टी ने बिश्नोई को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। पार्टी के अध्यक्ष ने बिश्नोई को लिखे पत्र में कहा है कि वे बिश्नोई में भगत सिंह को देखते हैं। बिश्नोई को क्रांतिकारी बताते हुए उन्होंने आग्रह किया कि अगर वे उनके टिकट से चुनाव लड़े तो उनकी पार्टी उन्हें जीत दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बता दें कि कुछ दिन पहले एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चर्चा में ला दिया है। बिश्नोई की गैंग से जुड़े बदमाशों ने सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि अभी और निशाने बनाए जाएंगे। हालांकि मामले में जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी ये पता लगा रहे हैं कि क्या वाकई बिश्नोई गैंग ने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की है। अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक राजनीतिक दल से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। बता दें कि उत्तर भारतीय विकास सेना UBVS नाम की ये पार्टी भारतीय निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को पत्र लिखकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का अनुरोध किया है। सुनील शुक्ला के मुताबिक मुंबई में चुनाव लड़ने के लिए अब तक उत्तर भारतीय विकास सेना के 4 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई की मंजूरी के साथ 50 और उम्मीदवारों की सूची जल्द ही घोषित की जाएगी। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को लिखे पत्र में कहा है, हमें गर्व है कि आप पंजाब में जन्मे उत्तर भारतीय हैं और हम उत्तर भारतीय विकास सेना के नाम से एक राष्ट्रीय और महाराष्ट्र राज्य पंजीकृत एक राजनीतिक दल है जो भारत में उत्तर भारतीयों के अधिकारों के लिए काम करता है। लॉरेंस बिश्नोई को लिखे पत्र में UBVS अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने कहा कि हम आप में शहीद भगत सिंह को देखते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और 5 अन्य उत्तर भारतीय राज्यों से आने वाले उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र में पैदा हुए और पले बड़े हैं, जो OBC, SC और ST हैं, उन्हें आरक्षण से केवल इस कारण वंचित रखा गया क्योंकि उनके पूर्वज उत्तर भारतीय थे। अगर भारत एक इकाई है तो हम इस अधिकार से वंचित क्यों हैं। सुनील शुक्ला ने आगे ये भी लिखा कि हम आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देते हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि आप शानदार प्रदर्शन के साथ चुनाव जीते और अपने समाज का उद्धार करें। हमें आपकी हाँ की प्रतीक्षा है। बता दें कि ये ऑफर UBVS पार्टी की ओर से लॉरेंस बिश्नोई को दिया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा हो चुकी है। राज्य में विधानसभा चुनाव की सभी 288 सीटों पर एक ही फेज में 20 नवंबर को चुनाव होंगे तो वही नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। जहां एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया जा रहा है, इस बीच क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने भी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार देने का ऐलान किया है। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। क्षत्रिय करनी सेना ने कहा कि मारे अनमोल रतन और पूर्व धरोहर क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामढ़ी के हत्यारे लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को इनाम दिया जाएगा। राज शेखावत ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए दिए जाएंगे। हमारे अनमोल रत्न और धरोहर अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारे लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को
क्षत्रिय करनी सेना ये राशि देगी। इतना ही नहीं, उस बहादुर पुलिसकर्मी के परिवार की सुरक्षा और संपूर्ण व्यवस्थाओं का दायित्व भी हमारा ही रहेगा। अब चूंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या का तार भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है, इसलिए उनका नाम चर्चा में है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले 9 साल से साबरमती जेल में है। कई मामलों में उनका नाम आने से लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत एक नए दाऊद को पाल रहा है। ये सवाल आम नागरिकों के मन में इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले भी बिश्नोई गैंग, मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और फिर करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह के मर्डर की जिम्मेदारी ले चुका है और अब बाबा सिद्दीकी के मर्डर के भी तार इसी से जोड़कर देखे जा रहे हैं, क्योंकि उनके मर्डर के बाद खुद गैंग ने सामने आकर इसकी जिम्मेदारी ली और इसकी वजह सलमान खान से दोस्ती होना बताया। एक तरफ लोग जहां लॉरेंस बिश्नोई की तुलना दाऊद से कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की ये पार्टी UBVS के अध्यक्ष सुनील शुक्ला को उनमें भगत सिंह नजर आते हैं। दरअसल भगत सिंह का जन्म एक पंजाबी जाट सिख परिवार में हुआ। पंजाब के लालपुर जिले के बंगा गांव में वो जन्मे थे, जो तब ब्रिटिश भारत था और आज पाकिस्तान है। उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और लॉरेंस बिश्नोई भी पंजाब से हैं। शायद ये वजह रही होगी पार्टी अध्यक्ष को उनमें भरत सिंह नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, एक गैंगस्टर, एक ग्रुप जो लगातार मर्डर के बाद जिम्मेदारी ले रहा है, लॉरेंस बिश्नोई की तुलना भगत सिंह से करना कितना सही है, कितना गलत, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।